दोस्तों आज मैं ये वीडियो जो है अकेला नहीं करने वाला हूँ, मेरे साथ है रामू काका। जी हाँ, रामू काका का काम बहुत इंटेलिजेंटली करते हैं, मतलब इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये पूछिए मत। वैसे सही में जो इनका नाम है वो है डीबॉट ऑस्मो N8+। जी हाँ, इकोवैक्स का। दिस इज अ वैक्यूम क्लीनर, मॉपिंग वगैरह करता है, बट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली करता है। आज की वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करता है रामू काका, नहीं डीबॉट जो भी है इनका नाम, सब कुछ दिखाने वाला हूँ, एंड तक देखिए वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। वैसे दोस्तों बहुत बड़ा बॉक्स आता है इसका। जी हाँ, सबसे पहले तो वैक्यूम क्लीनर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, उसके बाद में ये स्टेशन आता है जहां पे बेसिकली आपका जो कचरा है वो डंप कर पाओगे। यस, यू कैन डंप हियर, एंड चार्जिंग स्टेशन भी है, साथ में पावर केबल आती है, एंड देन यू हैव गॉट डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लीनिंग क्लोथ, डस्ट बैग आती है, एंड देन यू ऑल्सो हैव मॉपिंग के लिए ये क्लॉथ्स है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है। या दैट्स अबाउट इट, एंड यस ब्रशेस भी आते हैं क्लीन करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों ये रोबोट के पास ही देख लेते हैं, एंड ये एंटी कोलिजन के लिए थोड़ा सा दिया हुआ है, ये देखिए, तो व्हेन इट कोलाइड्स इट्स कम्स बैक, तो वो है। बाद में पीछे की तरफ आपको वाटर टैंक मिलेगा, आपको जहाँ पे पानी होता है मॉपिंग के लिए जो लगता है, और बहुत कम पानी इस्तेमाल करता है। एंड ऑल्सो ये ऊपर से सब प्लेन लग रहा है, लेकिन अंदर सब बटन्स वगैरह, ऑब्वियसली ऊपर जो मेन बटन है वो है, एंड मास्टर स्विच आता है, रीसेट आता है, वाईफाई के लिए LED इंडिकेटर है, एंड देन यू ऑल्सो हैव बैग जहाँ पे आपकी डस्ट वगैरह जो है वो कलेक्ट होती है, एंड इट इज़ वेरी सिंपलिस्टिक। एक बात कहूँ दोस्तों आपसे, इसका जो डिज़ाइन है इट इज़ रियली नाइस। वैसे आपको एक ब्रश भी मिलता है इधर ही, जहाँ पे अगर आपको ये क्लीन करने है, नीचे के उसके जो ब्रिसल्स हैं वो क्लीन करने, उसके लिए ऊपर से जो है उसकी वजह से बहुत ही क्लीन लुक दिखता है। और दोस्तों ये जो ऊपर की तरफ आया हुआ है, इधर ये 360 डिग्री में लिडार स्कैनर है, सो दैट इट सीज एवरीथिंग एंड अकॉर्डिंगली मूव्स। वैसे दोस्तों ऐप जब आप पेयर करोगे इसके साथ में, तो आप जियो फेंस वगैरह कर सकते हो कि भाई इतना ही एरिया स्कैन करना है, आराम से कर पाओगे। एंड आई टेल यू व्हाट, लेट मी ट्राई दिस, अगर स्टेप्स वगैरह होंगे तो जनरली वो गिरता नहीं है। जी हाँ, आप फेंसिंग करके उसे बता सकते हो कि बस इतने ही एरिया में करना है, बट फिर भी अगर स्टेप्स वगैरह होंगे it will intelligently scan and not go beyond. Try karte hain is table ke upar. Thoda time leta hai dosto. It sees situation kya hai, uske baad mein it starts. Okay, let's start. Dekhte hain jata hai kya. There you go. Oh, nice. Did you see that? Girna jaye, mujhe dar lagta hai abhi bhi, but fir bhi. Impressive, huh? Wow. Aise lagta hai gir jayega, but then it comes back. एंड टास्क बंद। सो इसेंशियली दोस्तों इतना सब कुछ उसने मैप किया, स्कैन किया, एंड यू कैन क्लीन इट, एंड मॉपिंग भी वैसे ही कर पाऊंगा। और ये देखिए मैप जो है क्लियरली दिखता है, अलग अलग आप मैप्स रख सकते हो। इसका मतलब हमारा जो स्टूडियो है, लेट्स से इट इज 3 फ्लोर्स, तो ऊपर वाला जो ऑफिस है उसका एक मैप, उसके बाद में स्टूडियो का मैप, एंड आई कैन एग्जैक्टली टेल कि भाई इतना ही एरिया साफ करना है, बाकी का नहीं। सो दैट वे वर्क्स क्वाइट वेल। और दोस्तों अगर मोटर के बारे में बात करूं, इट इज क्वाइट पावरफुल। इसका जो सक्शन पावर है दैट इज इक्वलेंट टू 2300 पास्कल्स, और टोटल 19,000 जो ब्रिसल्स है उसके, वो 19,000 RPMs पे घूम सकते हैं। सो नाइस देयर एज वेल। ये हो गया वैक्यूम क्लीनिंग के बारे में। अब मॉपिंग के बारे में देखते हैं। पीछे की तरफ जैसे मैंने बताया दोस्तों, यू गेट दिस, ये देखिए पानी है इसके अंदर, सो मॉप भी करता है, क्लीन करता है, एंड दिस इज द वन फॉर दैट। और ये डिस्पोजेबल है, एक बार खराब हो गए देन जस्ट रिमूव इट एंड प्लेस अनदर वन। लेकिन दोस्तों एक यूनिक चीज, मैं इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कुछ यूनिक चीजें हैं इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों 2.5 लीटर्स का डस्ट बैग आता है। जी हाँ, आप ये जो देख रहे हो इसके अंदर डस्ट बैग है। और उतना ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, एक बार उसने क्लीनिंग कर दिया पूरे रूम का, जो भी डस्ट है अपने आप ये चार्जिंग स्टेशन पे आ जाता है और डंप करता है इस बैग में। ट्रस्ट मी, 2.5 लीटर्स यानी एक महीना भर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी डस्ट ये कलेक्ट करता है वो इसमें जमा कर देगा। लिटरली फॉर अ मंथ यू डोंट हैव टू see anything. सोचिए आप बाहर जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, शेड्यूल कर दीजिए। जी हाँ, आप शेड्यूल भी कर पाओगे इसके साथ कि भाई हर रोज सुबह 2 बजे और रात को 8 बजे पूरा घर क्लीन करना है, एंड देन यू हैव टू कम टू योर चार्जिंग स्टेशन एंड डंप। It can easily do it. चलिए बैटरी के बारे में बात करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 0 to 100% 3-4 घंटे लगते हैं दोस्तों टोटल चार्ज होने में, और एक बार चार्ज हो गया तो आपको क्लीनिंग टाइम जो मिलता है 110 मिनट का मिलता है। एंड व्हेन आई एम सेइंग 110 मिनट्स, यानी 2000 स्क्वायर फीट का अगर एक घर होगा तो आराम से एक सिंगल सेशन में वो क्लीन कर सकता है। सो इट टेक्स अबाउट 1.5-2 आवर्स टू डू दैट, बट यस दैट इज द बैटरी लाइफ। और समझिए बीच में बंद भी पड़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट ऑटोमेटिकली रिटर्न टू द चार्जिंग स्टेशन, चार्ज होगा और
जो भी रिमेनिंग एरिया है वो क्लीन करके फिर से आ जाएगा. तो इंटेलिजेंटली ये सब कुछ करता है, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग. आफ्टर ऑल इट्स अ रोबोट. रामू काका तो मैंने सिर्फ नाम दिया है. वैसे ऐप में दोस्तों चार सेटिंग आते हैं सक्शन के लिए, मतलब वैक्यूम क्लीनिंग जब आपको करना है, एंड सेम चार सेटिंग्स आते हैं मॉपिंग के लिए भी, मतलब ज्यादा करना है कम लाइटली करना है, वो आप ऐप के ऊपर सेट कर पाओगे. दो तीन चीजें लेकिन हमने जितना भी इस्तेमाल किया उसके ऊपर से मैं आपको बताना चाहूंगा. एक तो सेटिंग्स में हाईएस्ट सेटिंग पे अगर आपने रखा तो इट मेक्स नॉइज. अगर आपको साइलेंट चाहिए तो लोअर सेटिंग पे रखिए, लेकिन सक्शन थोड़ा कम होगा. एक बात दोस्तों आपको बोल दूं, जब ये हो जाता है उसका क्लीनिंग और डस्ट जो है डस्ट बैग में डंप करता है तो ज्यादा आवाज करता है, उतना याद है. वैसे दो तीन चीजें कहना चाहूंगा, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आते हैं, अच्छा स्पीकर है तो लाउडली इंस्ट्रक्शंस बताता है, इट इज वेरी वेरी क्लियर. उतना ही नहीं दोस्तों, जब आप इसे पिकअप करते हो इट इंटेलिजेंटली अंडरस्टैंड्स कि ये हवा में है, कि भाई किसी ने पिक किया हुआ है तो कुछ करना नहीं चाहिए. सो यस, दैट इज ऑल्सो देयर. और एक चीज थोड़ी और इंटेलिजेंटली करनी चाहिए थी बहुत बार, अभी जैसे स्टूडियो में हमारे बहुत सारे केबल्स वगैरह होते हैं तो केबल्स आपको निकाल के रखने हैं, क्योंकि केबल्स उसे समझ में नहीं आते, इट कैन गेट एंटैंगल्ड. सो दैट इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. और दोस्तों ये इंडिया की प्राइस मुझे अभी तक पता नहीं है, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है या फिर होने वाला है, बट यूएस में वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी जो प्राइस है दोस्तों दैट इज 599 USD. तो आप कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 35-40,000 इंडिया में आने के बाद. आई एम नॉट श्योर वॉट द प्राइस इज गोइंग टू बी. वैसे कैसे लगा वीडियो दोस्तों, अच्छा लगा ना? ऐसे इंटरेस्टिंग यूनिक प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.